Hello, my lovely viewers. I am Nikki and I'm back with another interesting and requested video. So, as you all know, Puja Ashche. So, yes, Durga Puja is yet to come, or like, yeah, it's there. So, it's obvious ki mujhe to puja, फेस्टिवल ओकेजन के लिए मेकअप लुक तो क्रिएट करना ही है. एंड वैसे मैं आपको बताती चलूँ, मेरी एक फ्रेंड जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे रिक्वेस्ट करा है दैट आई विल क्रिएट यू नो लाइक पूजा मेकअप फॉर हर. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यस आई विल एंड आई विल पोस्ट ऑल द वीडियोज बट गिव मी लेट यू टाइम. वेल सो मैं कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई. बट इससे पहले मैं और ज्यादा बकबक करूं, हम लोग सीधा चलते हैं वीडियो की ओर. वेल मैं आपको बताते चलूं कुछ जो भी मैं प्रोडक्ट्स डिटेल शायद नहीं दे पाऊं, बट मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ. सो प्लीज चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड और एक चीज, जो जिनको भी मुझे कुछ वीडियोज के बारे में या फिर कुछ रिक्वेस्ट करना होता है कि मैं किस रिलेटेड वीडियोज करूं एंड व्हाट नॉट, बट यस उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ दैट प्लीज गिव मी सम टाइम, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट. एंड ऑब्वियसली यार वीडियोज बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है. यस दिस इज ऑल अबाउट इट. एंड यस जाते जाते और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि यार अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, प्लीज 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 डू इट, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं होने वाला. आई मीन इट्स ऑल फ्री, बट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है. एंड प्लीज डू मोटिवेट मी एंड प्लीज सपोर्ट मी सो दैट आई विल ग्रो मोर एंड आप मेरे ग्रोथ को विटनेस कर सकते हैं. सो यस एंड जिन्होंने भी मुझे जितना भी सपोर्ट करा है, फॉर देम दिल से बहुत बहुत थैंक यू. आई रियली लव यू एंड प्लीज बी देयर विद मी. Okay, so do not forget to subscribe to this channel and please click this chotu wala bell so that you will not forget to watch any of my video updates. Okay, and yes, you can also associate with me on my Instagram as well as Facebook, not videos. Well, main ko zyada fumble kar rahi hu, right? Okay, because I'm so excited. I don't know why, because Puja is coming, so that's why I'm happy even. Because Puja is coming. Well, do not forget to follow me on Instagram as well as Facebook. All the links are provided on the description box. Please go through it. And yes, बहुत ज़्यादा बोल दिया. चलो, let's start. Okay, so मैंने सोचा कि ये जो वीडियो मैं करने वाली हूँ, इसमें मैं वॉइस ओवर नहीं देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है एंड ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ. मुझे सप्तमी, अष्टमी, नवमी एंड दशमी यानी कि दुर्गा पूजा का मेकअप वीडियो क्रिएट करना है. एंड मैंने ऑलरेडी CTM कर लिया हुआ है. यू मस्ट नो व्हाट इज CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो क्लिनजिंग टोनिंग हो चुका है, ये मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. मेक श्योर आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे. आई मीन वी यूज टू गो टू पंडाल्स एंड ऑल, दर्शन करने जाते हैं, एवरीथिंग. सो ऑन दैट केस हमें मेकअप या तो आप लाइट कर सकते हैं या तो आप लाइट मेकअप कैरी करेंगे सो दैट वो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करें. या फिर अगर आप चाहते कि नहीं आप एक प्रॉपर मेकअप करेंगे, मेक श्योर योर मेकअप शुड बी वाटरप्रूफ, बिकॉज ऑब्वियसली आप घर के पूजा अटेंड करेंगे, बाहर जाएंगे तो पसीना तो होगा ही. एंड मेक श्योर कि आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफर प्रूफ भी हो. ऑन दैट केस मैं वीडियो के दौरान कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी. सो आई होप दिस विल हेल्प यू. वेल तो आज का ये जो वीडियो है ये हम ये मैं आपके साथ बात करते करते करूंगी. एंड ऑन दैट केस मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ है. गर्मी हो रही है भाई, क्योंकि फैन लगा के कर नहीं सकती क्योंकि बहुत नॉइज आता है. ओके तो मॉइस्चराइजर के बाद जो है ना, यस मॉइस्चराइजर के बाद हमें करना है प्राइमिंग.
मैं यहाँ पे एक जेल बेस्ड प्राइमर ले रही हूँ बिकॉज जेल आई मीन टू से लाइक पोर कंसलेंट, क्योंकि मेरे पोर्स के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और एक्ने स्पॉट्स भी हैं, थोड़ा पिगमेंटेशन भी हो रखे हैं क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ज्यादा बिगड़ता रहता है, बहुत सेंसिटिव हूँ भी मैं। सो ऑन दैट केस आप हमेशा प्राइमर अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से ही यूज करेंगे। वेल मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि व्हाट शुड आई सजेस्ट हर रिगार्डिंग द स्किन केयर रूटीन एंड ऑल दोस थिंग्स। प्लीज डियर वॉच माय स्किन केयर वाला वीडियो, आप उसमें इट विल गाइड यू आई मस्ट से, क्योंकि मैं पूरे डिटेल्स में बताती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी छोटा करने के लिए। इतने दिनों के बाद मैं आपके साथ चिट चैट वाला वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा कि हमेशा मैं बात नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, सो क्यों ना अभी बात करते करते ही वीडियो बनाया जाए। ओके इट इज डन। प्राइमिंग करने के बाद आपको एक मिनट तक रुकना है, उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे जो भी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। ओके अभी मैं करूंगी कलर करेक्शंस एंड उसके लिए यस ओके सो मैं ये यहाँ पे एक ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ डार्क पिगमेंटेशन है, उतने डार्क नहीं है बट मैं ऑरेंज कलर करेक्टर ही प्रेफर करती हूँ। अगर आपके उतने डार्क पिगमेंटेशन नहीं है ना तो आप पीच कलर करेक्टर भी यूज कर सकते हो। एंड मैं कलर करेक्टर जो है अपने फिंगर टिप से यूज करती हूँ बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अप्लाई, बहुत अच्छी तरह से अप्लाई भी कर सकते हो। एंड हाथ से अगर आप ब्लेंडिंग करोगे ना, ब्लेंड करोगे प्रोडक्ट को, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो नेचुरली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा इजीली प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में हेल्प करता है। वेल मैं अभी मेरे जो आईब्रो है उसको सेट कर लूंगी, मैंने अपने आईब्रोज अभी तक नहीं बनाए थे, बहुत सारा काम था। सो ऑन दैट नोट में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा जा सकूं, एंड क्योंकि मैं घर में नहीं बनाती हूँ मैं ब्राउज, मुझे प्रॉपर सैलून जाना पड़ता है वहां पर करने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने ब्राउज को बिगाड़ दूंगी। ये भी जो प्रोडक्ट मैं यूज करी है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है एक चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ब्राउज जब बनाते हैं ना तो उसको बहुत अच्छी तरह से ना ऐसे रब कर करके पेंसिल को बहुत ज़्यादा हार्शली रब कर करके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो एक्चुअली में स्किन टोन है उससे आपके जो ब्राउज का कलर होगा आई मीन पिगमेंटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा वियर लगने लगता है। सो ऑन दैट नोट प्लीज डोंट डू इट। कभी कभी मैं भी ऐसे गलती की हूँ बट इट्स ओके, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू मैटर अ लॉट। जब आप पूरा प्रो हो जाओगे ना तो शायद आपको ये चीज मतलब गलती आपको होगी नहीं। एंड मैं स्कूली की मदद से इसको सेट भी कर लूंगी क्योंकि ब्राउज बहुत ज्यादा बढ़ गए मेरे। तो ऑन दैट नोट ओके तो मैंने कर लिया हुआ है अपना आईलिड कंसीलिंग और प्राइमिंग, एंड मैंने अपने आईब्रोज को भी अच्छी तरह से यू नो कंसीलर की मदद से जो है प्राइमिंग कर लिया, नॉट प्राइमिंग थिंग से लाइक मैंने कंसीलिंग करा हुआ है बिकॉज मैंने अपने ब्राउज को नहीं सेट करे थे। ओके सो मैंने अपने जो कंसीलर है उसको सेट नहीं करा है, उससे क्या होता है कि अगर आप आई शेडो जब भी यूज करेंगे तो आपका जो आई शेडो के जो भी कलर्स आप यूज करते हैं ना वो थोड़ा और भी ज्यादा बढ़कर पिगमेंटेड लगेंगे। ओके तो मैं पूरे आई लिड पे एक ब्राउन कलर का शेड लेते हुए अच्छी तरह से अप्लाई कर लूंगी, बस एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ मैं, उसको पूरे आई लिड पे ही अप्लाई करूंगी ना, उसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पहले तो मैं अप्लाई कर दूंगी टैप टैप मोशन में,
ऐसे एंड फिर हम उसको इंटेंसीफाई करेंगे एंड एक चीज और, आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं, व्हाट एल्स व्हाट द प्रोडक्ट विल बी, ब्लेंड अच्छी तरह से करना इज द कोर की ऑफ द अच्छा वाला मेकअप. सो मैं ये जो मिडिल पोर्शन है ना उसको छोड़ रही हूँ बिकॉज उस पार्ट में हम थोड़ा ओम्ब्रे इफेक्ट दे रहे थे. मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसा क्रिएट करूँ कुछ एंड मैं एक ओम्ब्रे इफेक्ट देने की कोशिश करूँगी और उसको मैं ग्लिटर वाला कोई शेड लेकर के अप्लाई करूँगी. पर उससे पहले मैं पहले अपने ये जो आउटर वी है ना, इसको आउटर वी बोलते हैं, सो आउटर वी को मैं थोड़ा सा इंटेंसीफाई कर दे रही हूँ. अब देख सकते हो मैंने इतने कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से इंटेंसिव करा, क्या बोल रही हूँ, तो मैं अच्छी तरह से इंटेंसीफाई कर दी. If you can notice it. Okay, it's almost done. And मैं थोड़ा dark करना चाहती हूँ ये वाले, I mean outer V को, outer corner जिसको आप बोलते हैं. And उसके लिए मैं और एक थोड़ा dark pigment shade को लेते हुए use करूँगी and उसको अच्छे से blend करूँगी. बिकॉज आज आई ऑलरेड शेड कि हमें ज़्यादा हेवी वाला मेकअप नहीं करना है. इट्स ऑलरेडी डन. ओके सो मैं पहल ये वाला आईज में मैं आपको मेकअप दिखा देती हूँ. आई मीन आई शैडो एंड उसके बाद ओके अभी मैं क्या कर रही हूँ आप देख सकते हो. मैंने एक शैम्पेन शेड, इट्स लाइक समहाउ इट्स लाइक अ गोल्डन एंड समहाउ इट्स लाइक थोड़ा सा शैम्पेन शेड मिक्स है. आई मीन इवन आई कांट फाइंड आउट द कलर एग्जैक्टली बट मैं ये वाला एनीवेज हम ये वाला एक पिगमेंट आप देख सकते हो. तो ये वाला पिगमेंट मैं ले रही हूँ एंड इसको ऐसे मिडिल में ही, मैंने कुछ कंसीलर यूज नहीं करा है, जस्ट इजिली अप्लाई करना है हमें. ऐसे लिया एंड इसको ऐसे ही जस्ट मिडिल में इसको अच्छे तरह से अप्लाई करेंगे. फिंगर की मदद से ही अप्लाई कर रही हूं मैं. एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा पिगमेंट है ये एंड इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हुआ है. मुझे कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आई मीन लाइक प्रॉपर कट क्रीज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है एंड आफ्टर दैट मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी सो डेट की हार्श लाइन नहीं हो. ओके तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है लिक्विड लाइनर यूज करूं. After that, हमने क्या करना है कि अपर आई मेकअप को कंप्लीट कर लेना है. फॉर दैट आई एम यूजिंग मस्कारा. मस्कारा आपको बहुत ध्यान से यूज करना है गाइस. अगर आप थोड़ा सा भी मतलब ध्यान नहीं देंगे ना तो आपके आई मेकअप जो है बिगड़ जाएगा. ओके सो मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ एंड बिफोर दैट पहले मैं अपने ब्रश को रेडी कर रही हूँ एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस कबूकी ब्रश फ्लैट वाला. उस पर थोड़ा सा मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे ऐड करा हुआ है, आई मीन थोड़ा सा स्प्रिंकल करा एंड आई एम यूजिंग दिस अमाउंट ऑफ, शायद मैंने इसमें शायद 1 pump ही लिया हुआ है. ये जो फाउंडेशन है ये मेबलिन फिट मी का ब्रांड है एंड इसमें मेरा शेड है 310 सन बेज. सो मैंने फाउंडेशन अप्लाई करा हुआ है. पहले तो मैं इसे फिंगर टिप्स में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करूंगी बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग कि मुझे मीडियम कवरेज तक चाहिए, मुझे ज्यादा हेवी नहीं चाहिए. तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका फाउंडेशन पूरा हाई कवरेज रिजल्ट दे तो आप
थोड़ा ज्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस एंड योर यूज. ओके, तो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. एंड दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक है, इट्स रियली वर्किंग. कि अगर आपको चाहिए कि आपका जो बेस है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट प्रूफ रहे, देन जस्ट यूज दिस टाइप ऑफ ब्रश, कबूकी फ्लैट ब्रश. एंड उसमें आपको आपके जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है कोई सा भी यूज करे उसको थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर लीजिए. एंड उसके बाद मेकअप को ब्लेंड कर दीजिए, आई मीन फाउंडेशन को. ओके, सो फाउंडेशन मेरा हो चुका है. मैं थोड़ा इसमें हाइलाइटर के लिए वही सेम मैं इसमें भी अप्लाई कर लूंगी, इस वाले में. ज्यादा मैं कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जिसे हमें हाइलाइटिंग के लिए जरूरत होती है, बिकॉज ज्यादा फ्लैशबैक हो जाता है. सो ऑन दैट नोट कि मैं इसमें ज्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा. एंड क्योंकि मुझे हेवी मेकअप नहीं चाहिए था, जस्ट गुड टू गो इजी टू कैरी वाला मेकअप चाहिए. एंड मैं अपने जॉ लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर दूंगा. एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगी, बाय यूजिंग माई फिंगर टिप कॉन्टोर कर लूंगी. मैं इसी पैलेट से इस बार कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, हालांकि मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ. आई जस्ट लव एनवाई बे का कॉन्टोर एंड कलर करेक्टर स्टिक, वो मुझे बहुत ही ज्यादा आई मीन गुड टू गो लगता है. आई मीन बहुत अच्छे तरह से उसको यूज कर सकते हो एंड ऑल, बट ये भी बुरा नहीं है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. एंड इनसाइड के इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि बोलिए मत. सो यस, अभी मैंने कर लेना है इसको अच्छी तरह से ब्लेंड, बिकॉज हमें ब्लेंड करना है. एंड आई एम ऑल सेट. ओके, ये मैंने लिया डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड फिर उसको अच्छी तरह से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लेना है. सो आफ्टर यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स लाइक फाउंडेशन, फिर मैंने कॉन्टूर भी करा, थोड़ा हाइलाइटिंग करा, ऑन दिस नोट हमें कर लेना है मेकअप को सेट और लाइक यू कैन बेक इट. तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूज पाउडर यूज कर रही हूँ. आई डोंट नो व्हाई एक्चुअली लिटरली आई एम फंबलिंग, बट दैट्स फाइन. सो पहले मैं जो कि अंडर आईज को पहले बेक कर लूंगी, थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे बिकॉज हमें यू नो हमें अपने आई मेकअप को कंप्लीट करना है. ऑन दैट नोट मैं ज्यादा ले रही हूँ. एंड ओके, सो अब कर लेते हैं हम अपना आई मेकअप को डन. फॉर दैट मैं वही सेम शेड ले रही हूँ पैलेट से एंड उसको अच्छी तरह से जो है अप्लाई कर लूंगी अंडरलाइन में, अंडरलाइन पोर्शन में. और मैं उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई भी कर रही हूँ. ओके, इसको ज्यादा नहीं करते हैं. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग काजल.
देखो काजल गाइस मैं जो है स्मज प्रूफ ही यूज करूंगी, बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब भी आप ऐसे पूजा के लिए आई मीन फेस्टिवल ओकेजन के लिए मेकअप लेते हैं ना, सो आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि फंक्शन को एंजॉय करें, इट विल रियली टेक टाइम, सो इट्स बेटर दैट हम अपना जो मेकअप है उसको स्वेट प्रूफ भी रखें, लॉन्ग लास्टिंग भी रखें, एंड सो दैट की बीच बीच में हमें चेक नहीं करना पड़े, एंड ऑन दैट नोट वी विल एंजॉय आवर फेस्टिवल। एंड अगर आप देखे हो गए आई रियली यू नो यूज टू प्रिफर काजल अ लॉट बिकॉज बींग अ ओडिया एंड इवन अगर आप बंगाली हो या फिर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो बंगाली गर्ल्स हैं एंड द लेडीज दे यूज टू यूज काजल अ लॉट, आई मीन दिस इज देयर स्टेपल वाला मेकअप, सो वैसे काजल यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, इट विल ब्यूटिफाई योर सेल्फ अ लॉट, सो यस। सो अभी के लिए मेरा जो आई मेकअप है दिस साइड का कंप्लीट होने वाला है, एंड व्हाट आई गोना डू लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड करूंगी अपने आई मेकअप को बाय यूजिंग मस्कारा, तो ध्यान से लगाना। यस आई एम डन, तो ये मैंने अपने दिस वाले ये वाले आई मेकअप को कंप्लीट कर लिया हुआ है, मैं ऑफ स्क्रीन अभी तुरंत विद इन सम फ्यू सेकंड्स ये वाले आईज को भी कंप्लीट करके आती हूँ। ओके सो आई एम डन, एंड अभी मैं जो बाकी सारे जो भी मेरे ड्रेस्ट पाउडर प्रोडक्ट है ना उसको अच्छे से ब्लेंड करके डस्ट ऑफ कर लूंगी, बिकॉज वी आर डन ऑलरेडी, फेस को झिलू मिलू करते हैं। आई मीन थोड़ा सा हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। सो को भी चिल्ली मिल्लू करवाना जरूरी है, अपने फिंगर्स से पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड देन आई विल इंटेंसिफाई दिस, एंड पूरे लास्ट में मैं अपने आई कॉर्नर्स एंड आईब्रोज के नीचे भी थोड़ा उसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर लूंगी, एंड रीजन ब्रश ओके। सो लास्टली मैं यूज कर रही हूँ लिपस्टिक, एक रेड कलर का पिगमेंट ले रही हूँ मैं, आई मीन शेड ले रही हूँ, वेल गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, एंड ये वाले लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑब्वियसली बिंदी ऐड करी है एंड इयर रिंग ऐड करा हुआ है एंड साखा, सो यस दिस इज इट। आई होप आज का ये मेकअप लुक आप सबको पसंद आने वाला है, फिंगर क्रॉस्ड। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे हैं अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड यस आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे, इफ यू वांट टू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में मुझे ऑब्वियसली प्लीज 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 फॉलो कर लेना, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको आज का ये लुक कैसा लगा, मिलती हूँ आपको और एक नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, एंजॉय द पूजा वाइब एंड शुभ दुर्गा पूजा, नमस्कार।